सभी को जय गुरु। आज चलिए हम कृमि और एसिडिटी के लिए क्या घरोई प्रतिकार करेंगे, शिष्य बड़ौदा उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में आलोचना करेंगे। सवारजन्य जय गुरु। आज के आलोचना कृमि एवं एसिडिटी का जन्य की घरोई प्रतिकार। आज आलोचना कृमि एवं एसिडिटी आप कौन घरोई प्रतिकार करेंगे। जड़े भाई कृमि होती श्री श्री पितृदेव को निवेदन करे कहले भोर बेला अध छटांगी कंचा हलदी रस सामान्य टिके लुण दे चारि पांच दिन खाइब ताहले कृमि भल हो। पुणी उक्त भाईटी जनइले जे तांकर अम्ल हुए। श्री श्री पितृदेव कहते नाट्रम फोज 30x चारि फाइल खाइब खटा भजा लंका इत्यादि बाद देव सहज लघुपाक्य आहार ग्रहण कर। एक गुरु भाई का कृमि हुआ है तो श्री श्री पितृदेव को निवेदन करने से वो बोल रहे हैं कि सुबह बड़ी भोर में हाफ कप कच्चा हल्दी का जूस में थोड़ा सा नमक डाल के चार पाँच दिन खाना होगा। फिर वो गुरु भाई का एसिडिटी भी हो रहा है तो श्री श्री बड़ौदा ने बोले हैं कि नाट्रम फोज 30x चार फाइल खाने के लिए, अचार, भुना हुआ चीज, मिर्ची इत्यादि नहीं खाना है और लघुपाक करना है या हल्का खाना खाना है। श्री श्री बड़ौदा बोलचेन एक टी कृमिरा जन्य हाफ कप हलुदेर रस सकाल अल्प नून दिए खेले ठीक है जबे और एसिडिटी रा जन्य नाट्रम फोज 30x चार फाइल खावे टक मरीच भाजा इत्यादि बाद देओ सहज नाश्ता खाना। जय गुरु।